हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग आज बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म फिलअप है उसमें फोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जैसे आप ये फॉर्म भरने जब आओगे तो फोटो जो हो रहा है आप लोग का लाइव कैप्चर हो रहा है, मतलब आप संगे संग आप लोग का लैपटॉप से जो फॉर्म फिलअप करोगे तो वेब कैमरा होना चाहिए, उससे आप लोग का लाइव फोटो हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिग्नेचर में आदमी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों सिग्नेचर लग रहा है। जो इसका साइज बोला है 15 KB से कम होना चाहिए, और विड्थ और हाइट जो तक कितना होना चाहिए 220x100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 220x100 होना चाहिए। तो आप लोग को पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह से आप फोटो टॉप सिग्नेचर टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि टैक्स रिलेटेड वीडियो डेली कुछ ना कुछ आपको चैनल से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जहाँ भी सिग्नेचर है आप वहाँ देख लोगे, ठीक है, चल जाओगे सिग्नेचर पे। जैसे आप साइन पे जाओगे और जब साइन आप लोग स्कैन करोगे तो आप जब काटने की कोशिश करोगे तो इसको देखो, जो इसको नज़दीक से नहीं काटना आप लोगों को, देखो ध्यान से समझना है एक एक चीज़। देखो हम इसको फोटोशॉप में ले जाते हैं, पहले फोटोशॉप में ले जाते हैं हम इसको, आपका जहाँ भी सिग्नेचर है इसको फोटोशॉप में आप पहले ले चल जाना आपको, ठीक है। देखो ये फोटोशॉप ले जाए, इससे पहले हम इसको साइज दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे जाएंगे हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जिसका साइज अभी मेरे पास है 12.7 KB, ठीक है, मतलब 12-13 KB के करीब है हम लोग का, ठीक है। अब जब इसको हम फोटोशॉप में ले गए, ठीक है, तो देखो जब इसको आप काटोगे क्रॉप करोगे इस तरह से, जब क्रॉप करोगे तो इसको जितना दूर रख सकते हो उतना करोगे। बोलो वैसे क्यों सर? क्योंकि इससे साइज कम होता है। तो क्या होता है, जितना दूर से लोगे तो उतना साइज कम होता है, जैसे नज़दीक इस तरह से आप सामने से काटोगे तो आप लोग क्या होता है KB बढ़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये KB 15 KB से कम मांगा है, ऊपर से क्या होता है विड्थ और हाइट भी मांगा है 220x100, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये करने में बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, तो इसलिए इसको दूर से काटोगे। पहला स्टेप ये है, आप लोग इस तरह से काट लिए आप लोग दूर से, जैसे कि हम काट लिए। इसके बाद इसको सेव करना आपको, ठीक है, और जो नाम पे हम दूसरा नाम पे सेव करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा ये सिग्नेचर पे साइन नाम का है, अब इसको हम कर देते हैं डी कर देते हैं, क्योंकि डी कर देते हैं, डी डी करके लिख दिए हम, और इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद जितना ज़्यादा हो सके स्मॉल कर दो, स्मॉल में लास्ट 6 KB दिख रहा मेरा, ठीक है। यदि इतने भी से भी कम यदि होगा इससे देख लोगे, ये करके यहाँ पे देख लो 28 पे डाल के या 14 पे डाल के, देखो 5 आ रहा है, जितना कभी लास्ट हो रहा है इतना 5.83 जो आप लोग का होगा यहाँ पे, जितना कम हो सके उसको कर लेना पहले, बस इसको इसके बाद सेव कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जाना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है, देखो ये मेरा सेव किया गया, इसको कितना की देखो कितना KB हो चुका है, पहले 12 था अभी मेरा, क्योंकि यहाँ पे 5 बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप में यहाँ जब दिखेगा आप लोग को 5 दिखेगा तो वहाँ कम से कम 4-5 तक बढ़ता है, तो इसलिए मेरा अभी देख पा रहा प्रॉपर्टी 10 KB हो चुका है, मतलब 11 KB के करीब, ठीक है, 1 KB कमाया, ठीक है, अभी भी मेरा इससे काम नहीं होगा। तो आप लोग को एक साइट बता रहे हैं, हम जाना है इसमें जाना है, देखो cloudconvert.com पे, यहाँ पे जाओगे आप सिंपली गूगल में सर्च करके यहाँ आ सकते हो, ठीक है, करोगे इसका जो सिग्नेचर आप कम किए फोटोशॉप से उसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना आप लोग को जहाँ पे रखे होंगे। यहाँ पे देखो ये डी नाम से सिलेक्ट किया, इसको कर देना है, ये कंप्रेसर का है, ठीक है, कंप्रेसर में डाला, क्लाउड कन्वर्ट में जाओगे आप लोग और कंप्रेसर कर लेना, देखो कंप्रेस कर लेना, मतलब कम कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आपको, ठीक है, क्वालिटी आप लोग कर लो जितना कम हो सके, ठीक है, 50 कर लेते हैं, ओके बस। और यहाँ पे कंप्रेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ प्रोसेसिंग हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर दोगे, ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के सामने। अब जो ये सिग्नेचर है मेरा देख पा रहे हो आप लोग, प्रॉपर्टी में जाएंगे हम लोग, देखो अभी भी मेरा कितना हो रहा है 10 KB के करीब हो रहा है, अभी भी मेरा ये काम नहीं होगा, अभी भी मेरा ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से हम जाएंगे इसको, फिर से हम जाएंगे इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे इमेज को, ये वाला था मेरा, ठीक है, और ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे और क्वालिटी एकदम 30 कर दोगे, ठीक है, 30 कर दोगे। इसके बाद सिंपली कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आप लोग को, पूरा थोड़ा वेट लग रहा है, टाइम लग रहा है, देखो हो चुका है। फिर यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ फिर से हो चुका है मेरा, यहाँ आके डाउनलोड पे जाएंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे अब इस पे, देखो यहाँ पे जाने के बाद आप फिर से प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, अब देखो ये कितना दिख रहा है, अभी भी वही दिख रहा मेरा, ठीक है, अभी मेरा 10.5 KB ही दिख रहा, जो कि कम नहीं रहा, ठीक है। अब इसको हम फिर से डालते हैं, फिर से डालते हैं ये वाला,
और यहाँ पे क्वालिटी एकदम कम कर देते, 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 करके यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे। फिर से देखो हो चुका है मेरा, सो विन फाइल पे जाते हैं हम लोग, और फिर से प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम लोग। 10.3 बहुत ही ज़्यादा कम रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, इसे काम मेरा अभी भी नहीं होगा, ठीक है, जब तक आपका नहीं होगा आप देखो एक ही बार आप कर लेना काम। हम सोच रहे थे कि अच्छा क्वालिटी में भी रहे लेकिन नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे कर दोगे ये वाला कर, ठीक है, अब इसमें आके एकदम सबसे कम क्वालिटी मार दो, 10 मार दो, ओके कर दो, ओके कर दो, और यहाँ पर कंप्रेस कर दो, थोड़ा टाइम लग रहा है, सर्वर डाउन है, साइट थोड़ा जाम चल रहा है, लेकिन सही है, देखो अब हो चुका है, अब देखो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कम चुका है, अब डाउनलोड हो चुका है मेरा। अब जब हम चेक करेंगे इसका KB, यही है मेरा प्रॉपर्टीज में आके, तो देख पा रहे हो 10 KB बहुत ही कमा है, यही लास्ट हो रहा मेरा। अब बस जो फोटो सबसे ज़्यादा कम होगा उसको आप सिंपली पेंट में ले चल जाओ, पेंट में ले चाहो, देखो इतना क्वालिटी कम चुका है, अब वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइट, ये जो वैकेंसी है इसी टाइप का बताया गया, तो आप क्या कर सकते हो, अब सिंपली आप यहाँ पे जाओगे कंप्रेशन वाले ऑप्शन पे, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, देखो विंडो 7 होगा तो आपको रिसाइज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं भी आप क्लिक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करने बाद यहाँ पिक्सल पे आओगे, पिक्सल पर आने के बाद ये लॉक हटा दोगे, और आप लोग का जो बोला गया है 220x100 यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना, बस क्लिक करने के बाद ओके कर लेना, ओके जैसे करोगे यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना, जैसे क्लिक करोगे आप देख पा रहे हो हम लोग का हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हो 13.13 कितना है, 13.5 KB, और यहाँ पे 220 विड्थ हो चुका है और हाइट 100, तो हम लोग पूरा फुलफिल कर चुके हैं। अब ये साइन जब हम अपलोड करेंगे सिंपली सेव कर लोगे, अब यहाँ पे आप जब जाओगे यही फोटो, यही वाला मेरा सेव हुआ है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे जब हम, यहाँ पे जब डिटेल में जाएंगे हम, तो देख पा रहे हो यहाँ पे डायमेंशन जो देख पा रहे हैं 220x100 है, ठीक है, और KB भी मेरा 13 KB है, आप लोग को अभी दिखाया हम, जब KB देखने जाएंगे, जब हम KB देखने जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो देख पा रहे हो कितना 13.5 KB, तो आप लोग समझ गए होंगे हो चुका है। तो कहने का मतलब बस इतना है, जब आप काटोगे उसको जितना कम हो सके उसको कम पे रखो, जितना कम KB कर सकते हो कर को, और इसको फिर आप उस पर पेंट पे ले जाओ, आपका काम हो जाएगा, देखोगे यदि जितना कम हो सके। इसके अलावा आप इस ऑनलाइन वेबसाइट का जो है बहुत ही अच्छा वेबसाइट है cloudconvert.com, इसमें भी आके आप ये यहाँ पे आके एक एक चीज़ कर सकते हो, आप लोगों को जो बता चुके, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और टेक्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए डेली कुछ ना कुछ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आप लोग सर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।